हाईवे रोड, जिस रोड पे आज की सिर्फ वो ही गाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि किसानों के ट्रैक्टर पेड़ में जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है पूरी तरह से उन गाड़ियों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कह रही है कि इन लोगों को जो खाने पीने की फंडिंग हो रही है वह गैर कानूनी ताकतों के द्वारा हो रही है, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों और युवकों ने दिखा दिया कि जो उनको खाने पीने के लिए सामान दिया जा रहा है वह उनकी एक नेक कमाई से लिया जा रहा है और यहाँ जगह जगह उन लोगों के लिए लंगर लगाए गए हैं। ये जो जा रहे हैं आप कौन से पिंड से जा रहे हैं? हम जलंधर के पास पिंड है कोट कला। तो उससे पहले भी आप लोग गए हो? एक दफा गए थे पहले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीन कानून आए हैं किसानों के, ये किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदायक है? बहुत नुकसानदायक ने, जिवें मोदी साहब ने बनाए ने ना तीन कानून, कंट्रैक्ट फार्मर भाई बड़िया कंपनियां के कंट्रैक्ट ते लैन गया जमीन, वो साडियां सारियां ही बट्टा बन्ने बाह देन गियां, उहदे विच सानूं कोई पता नहीं लगूगा। सातों 20-20 साल दी लैन गए कंट्रैक्ट ते, 10-10 साल दी लैन गए, 10 साल तों बाद बंदा कोई मर गया, बच्चों का जमीन का पता ही नहीं लगना भी कितने दी ना, उत्थे कोई कब्जा कर सकता जाके, वो ना उन्होंने छड़नी आ, वो जिवें कंट्रैक्ट ते कीती आ उहदे विचों कोई इमारत बना लैणगे, उहदे विचों आपदा लै लैणगे की कहिंदे हुंदे ने लोन वगैरह लै लैणगे, वो साडी जमीन ते होऊगा। इस तरीके नाल इहने ने सानूं खत्म करन दा पंजाब चों ठणिया होया, पर जट जागरूक ने। MSP नहीं, किसी भी इशोर नहीं कर रहे, एक तो वो किसानों को चाहिए, होर भी ये बहुत जो इदा दिया दूसरिया है कि किसानों के लिए मारू है, तो किसान लिए कोई फायदे वाली गल नहीं, नुकसान ही नुकसान है। MSP का है वो कहते हैं मोदी साहब की भी कहीं पे भी जाके आप लोग अपनी खेती महंगी बेच सकते हैं। वो तो पहला भी सीगा जिते अभी मर्जी जाए, कश्मीर का सी वो इतने आता अपने पहला भी, पहले ये था ना कि एक सरकारी रेट आता था तो उस हिसाब से जमीन की खेती। नहीं नहीं वो तो बहुत गलत गल आ, ये पहला भी खुलती है जान के झूठ बोलते हैं, ये पहला भी खुले थी कि अभी इतों अपनी फसल जिते मर्जी बेच सकते हैं, पर छोटा किसान तो इतों से जरा आपका इतों बीजूगा ना वो सान वाले तक ही जा सकता ना, तो कोई वहीकल ना कोई लेना देना ना कोई बंबे जा सकता। किसान भीर जिन्हें भी आ पंजाब के हरियाणे के दूसरिया स्टेटा के भी असं यही संघर्ष कर रहे हैं कि असं ये कानून रद्द करवाने। ऐसे है ना जैसे जो बाकी किसान हमारे गांव में हैं वो रल मिल के सब काम निपटा लेते हैं। जैसे ये जो आंदोलन चलाए ये सबसे पहले पंजाब से उठाए, ये क्या कारण है कि भाई पंजाब के सिखों को ही इसमें सबसे ज्यादा कमी है पहले नजर आई, बाकी और जगह भी ये चीज लागू की गई? और जगह बात तो ये है जो आप आजादी ली आ पढ़े लिखे हो सारे, आज़ादी च भी पंजाब दी कुर्बानियां ने ज़्यादा, ये पंजाब का किसान है ये अणखी आ, सारा कौम सारी हुई इतने किसान मजदूर सारे एक ने, वो गल समझते ने, होर सूबियां च अजे मगरों पता लगता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं गए, इतने अपने सारे पढ़े लिखे ने। आज हम ये संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखो हम लोग का ये संघर्ष है कि जितना देर तक ये कानून नहीं वापस लेंगे तब तक हम ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और फिर आपका जैसे रास्ते में खाना पीना वो कैसे करते हो आप लोग? खाने पीने की तो ऐसे आपको क्या बताएं कि खाना पीना इतना है जितना झूठ बोल, हम लोग भी अभी भी लेके आए देखो कितना खाना हमारे पास है, लेकिन अभी खा रहे हैं हमने गांव से चले हुए 4-5 घंटा हो गए, लेकिन रास्ते में इतना खाने को देते हैं लोग, रास्ते में ही खाने के लिए इतना कुछ मिलता है कि पूछो मत। मतलब किसान भाईचारे को पूरे देश का समर्थन, पूरे देश का समर्थन, एक 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 आदमी जो इंडिया का नागरिक है वो हमारे जो किसान आंदोलन है इसको वो सपोर्ट कर रहा है। मैं मंजूर लुधियाना से, इंडिया अनहर्ड के लिए।